सो भाई साहब, ये है इंडिया, ये सारा इंडिया का एरिया है और हम इस वक्त चल रहे हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर। सॉक्स मिलते हैं बड़े बड़े, जैसे मेरे से आगे वाले बच्चे ने ना सॉक्स के सॉक्स पहने हुए शूज के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि आपके शूज जो है ना स्नो पे स्लिप नहीं होते। और आप और ये देखें, ये नीचे ना इसकी लकड़ियां ही नहीं लगेगी। और सारी रात मैं सोचता रहा कि यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। लास्ट ब्लॉग में हम केएल से अरंगकेल आए थे और अरंगकेल के अंदर काफी ज्यादा स्नो थी और रात यहाँ पे हमने स्पेंड की थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम वापस निकलने लगे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे हम स्ट्रक हो गए थे। और ये वाला ब्लॉग जो है वही से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से लास्ट ब्लॉग एंड हुआ था। तो भाई साहब, सीन अभी ये है कि अभी हल्की हल्की बारिश है और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, तो अभी हमें निकलना पड़ेगा हल्की हल्की बारिश के अंदर, इससे पहले कि बारिश ज्यादा तेज हो जाए और हम इस एरिया में फंस जाए। तो अभी हम निकल रहे हैं हल्की हल्की बारिश के अंदर ही, और थोड़े भीग तो जाएंगे लेकिन ये कि यही बेस्ट है, इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। हम बर्फ में निकल पड़े हैं, बारीक बारीक बारिश हो रही है, अभी बहुत हल्की सी है, लेकिन ये कि इतनी बारिश में भी ना आधे घंटे की कोई वॉक है और उसके बाद नीचे उतर आई है, और इतनी बारिश में ना हमने गीला हो जाना, लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता कुछ ऐसा है, जगह जगह पे पानी है, बारिश है और बर्फ है, मेरे से ना थोड़ा सा कीचड़ हो गया। और शूज जो है, वैसे शूज परफेक्ट है, शूज का कोई मसला नहीं है, पांव सेट रहेंगे, लेकिन ये कि सीन्स थोड़े से खराब है। रेनकोट लेके आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन रेनकोट जो है मैं लाना याद नहीं रहा, क्योंकि जितनी इमरजेंसी में मैंने पैकिंग की है, रेनकोट वैमो गुमान में भी नहीं था। ये पीछे काशी भाई ने अम्ब्रेला ली हुई है पीछे। भाई मैं तो अपना सारा इंतजाम करके आया था, मुझे पता है बारिश होनी है। काशी भाई बड़े उस्ताद हैं, वो सारे इंतजाम करके आए थे पहले से। भाई तुम एक बात सुनो ना, जी वो पत्थर पे जाए। चल गए अभी ट्रैक पे। ये व्यू चेक करें, अभी हम नीचे जा रहे हैं अरंगकेल से, नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और ये फैमिली है, फैमिली के बच्चे और गाइड ने उठाया हुआ है, क्योंकि बच्चे जो हैं खुद से नहीं कर सकते, छोटे बच्चे जो हैं वो चले हैं, बाकी जो नहीं कर रहे। तो ये सीन है, ये उतरने का सीन है। उतरना जो है आसान है, लेकिन ये कि आपको ब्रेक सप्लाई करनी पड़ती है, रुक रुक के चलना पड़ता है, एनर्जी आपकी नहीं लगती, लेकिन आपको ब्रेकें ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो ये सीन है, और मौसम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मौसम ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, आप यहाँ पे अगर स्नो में आते हैं और इनके केस आपके पास ना स्नो वाले अच्छे शूज नहीं है जो आपको स्नो से प्रोटेक्ट कर सके या स्लिप होने से बचा सके, तो उसका ट्रिक ये होता है कि आप शूज के ऊपर क्या करते हैं, शॉपिंग बैग चढ़ाते हैं, या शूज के सॉक्स के ऊपर शॉपिंग बैग पहन के आप शूज के अंदर पहन लेते हैं, और फिर शूज के ऊपर ना यहाँ से सॉक्स मिलते हैं बड़े बड़े, जैसे मेरे से आगे वाले बच्चे ने ना सॉक्स पहने हुए शूज के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि आपके शूज जो है ना स्नो पे स्लिप नहीं होते और आपको थोड़ी सी ना अच्छी एक ग्रिप मिल जाती है। तो ये एक ट्रिक है इजी सा, जो अगर आपके पास अच्छे शूज नहीं है। आगे लग गए आप लोग, वो तो बहुत नीचे चले गए हैं। शबीर साहब की ना हाइकिंग बेहतर है, वापसी का ट्रैक बेहतर है, सांस नहीं आते हुए भी तो सबसे पहले ऊपर ही हैं। शबीर भाई हाइकिंग उनकी जो है ना कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो एंड पे नीचे जाना है हमें। हम केरन में पहुंच चुके हैं, और केरन में ये ट्विन हिल रिजॉर्ट के अंदर आज रात के लिए हम स्टे कर रहे हैं, और ये हम बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है, यानी सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं वो इंडियन है, यानी जम्मू कश्मीर है और मकबूजा कश्मीर जिसे कहते हैं। और अभी जो है हम कुछ खाने पीने के लिए मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि डिनर जो है थोड़ा लेट है, तो हम उतनी देर में कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और मार्केट का भी विजिट हो जाएगा। सो भाई साहब, ये है इंडिया, ये सारा इंडिया का एरिया है, और हम इस वक्त चल रहे हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर, और ये दरिया जो है ये बॉर्डर है, और इधर जो है इधर भी व्यूज बड़े मज़े के हैं, बड़ा ग्रीनरी ग्रीनरी सा एरिया है, और दूसरी साइड पे भी जो है बड़ा मज़े का
ग्रीनरी ग्रीनरी है और बड़े मजे का वहां पे भी हरियाली नजर आ रही है। सो हम एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे आए थे और वहां से आके ना हमने ये सैंडविच ऑर्डर किए थे, लेकिन सैंडविच जो है ना बिल्कुल भी मजे के नहीं थे। तो केरन में जो है ये हम इस वक्त मौजूद हैं और केरन में ये एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे कश्मीर इक्वल टू पाकिस्तान लिखा हुआ है और ये साथ ही LOC है यानी बॉर्डर लाइन है। ये दरिया जो है ये पाकिस्तान के अंदर बह रहा है यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मुश्तरका दरिया और ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर है, इससे आगे कोई नहीं जाता। और वो सामने जो है वो सारा इंडियन है और ये सामने इंडियन पोस्ट है जिससे आप गैस कर सकते हैं कि ये वाकई इंडिया। और ये इंडियंस की भी ऐसे वहाँ पे शायद रेस्टोरेंट बने हैं या वहाँ पे घर बने हैं। तो ये सारा ना केरन का इलाका है जो जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने साथ साथ हो जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको LOC का एक एरिया भी दिखाया था जहाँ से ऊपर से पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल सामने आमने सामने नज़र आते थे, लेकिन यहाँ से है तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और वो एक स्टेज भी बना हुआ है शायद वहाँ पर ना इंडियन फ्लैग लगता होगा। तो ये सारे ऊपर पहाड़ों पर लोग रहते हैं और यहाँ पर ना सिर्फ लोग नहीं रहते, आर्मी के चेक पोस्ट भी हैं। तो जब हालात ख़राब हो जाते हैं ना तो यहाँ पर कभी फायर वगैरह भी हो जाता है दोनों तरफों से। तो ये सीन है। तो ये इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और इस व्यू का ना, इस यूनिक व्यू पॉइंट का एंजॉय कर रहा हूँ और ये मेरे पीछे जो है सारे इंडिया। अभी जो है हम केरन में मौजूद हैं और अभी रात के डिनर का टाइम है। पीछे जो आपको छोटे छोटे स्टार्स में लाइट्स नजर आ रही हैं, एक्चुअली वो लाइट्स नहीं है, वो जो है पीछे इंडिया है और इंडिया की घर के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर ना लाइट्स वगैरह जो है वो चल रही हैं। तो अभी जो है डिनर का टाइम हो गया। आज डिनर में है दाल माश और उसके साथ है बारबेक्यू और चटनी और ये शबीर भाई ने बारबेक्यू पे टैग कर दिया। चल झूठा। और ऑलवेज की तरह बॉयज हम इकट्ठे ही हैं और ये सब भाई भी है और यहाँ पे मैं भी बैठ के डिनर कर रहे हैं और ये मेरा बारबेक्यू भी आ चुका है। One hour later. केरन में जो है ना शरदा और अरंगकेल से सर्दी बहुत ज्यादा कम है और क्योंकि केरन जो है इस्लामाबाद के नजदीक है तो केरन में यहाँ पे रात को ना डिनर के बाद बॉन फायर का इंतजाम किया गया था और बॉन फायर के दौरान जो है ना इंताशी वगैरह खेली गई। तो राउंड वन ना आके ये ना इंताशी का प्रोग्राम हुआ, थोड़ा बहुत शुगर लगा। The next day. आज डे 4 है ट्रिप का और आज वापसी का दिन है। यानी आज का जो सारा टाइम है वो सारा रास्ते में गुजरने वाला है। लेकिन सुबह सुबह ना मेरे साथ एक हैंड हो गया। हैंड जो है बड़ा हैवी किस्म का हुआ है। सीन ये हुआ है कि रात को मैं जिस बेड पे लेटा हुआ था ना वो बेड ना टूटा हुआ था। टूटा हुआ तो नहीं था लेकिन एटलीस्ट ये था कि ना वो बेड के नीचे जो थे ना कोई प्रॉपर लकड़ियाँ नहीं लगी थी, जिसकी वजह से मेरी बैग जो है ना एक्सट्रीमली डैमेज हो गई है और मेरे से बैठा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बैठा भी नहीं हुआ जा रहा और रात को मुझे नींद भी नहीं आई। तो मैं भी आपको बेड की हालत दिखाता हूँ। ये मेरा बेड है, एक्चुअली ये रूम है जो इसका मैंने रात को टूर भी नहीं कराया। तीन सिंगल बेड थे और एक मैट्रेस था, एक्चुअली दो मैट्रेस थे जिसको डबल कर लिया था हमने। और ये देखें ये नीचे ना इसकी लकड़ियाँ ही नहीं लगी हुई और सारी रात मैं सोचता रहा कि यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। हालांकि पिछले दो रातों में ना मैं बड़े फिट किस्म का ना 7-8 घंटे मजे से सोया हूँ और सुबह बड़ी अच्छी नींद से आंख खुल गई थी। लेकिन आज सुबह जो है ना एक तो नींद नहीं आ रही थी और नींद के अलावा जो था मेरी कमर जो है ना बहुत दर्द कर रही है। अब मुझे थोड़ा सा मेरा ख्याल है पैनाडोल शैल ले लेता हूँ क्योंकि आगे 15-16 घंटे का सफ़र है, ताकि वो 15-16 घंटे का सफ़र जो है आसानी से हो जाए। ये हमारा रूम है राइट लेफ्ट साइड में। रूम से निकलते साथ ही जो है ना यहाँ पे बालकनी से बड़ा जबरदस्त व्यू है, बल्कि व्यू क्या जबरदस्त है, ये सामने जो आपको घर नजर आ रहे हैं ना ये सारे इंडियन है और ये सामने दरिया बह रहा है और ये सड़क है तिरनान। तो इंडियन और पाकिस्तानी यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने है। सो हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिया हमने और बस अभी थोड़ी देर में ना हम वापसी के लिए निकलेंगे। रास्ते में सिर्फ एक जगह पर रुकना है जहाँ पे दानी वाटरफॉल है जो आते हुए हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया था, तो अभी जाते हुए एक्सप्लोर करेंगे उसके। ये काशी भाई बड़े अच्छे हैं, ये थोड़ी सी ना कमर को दबा रहे हैं ताकि थोड़ा सा मुझे सुकून मिल जाए। थैंक यू काशी भाई, वेलकम भाई। बहुत पेन है। तो अभी टाइम आ गया है केरन को गुड बाय कहने का। इनफैक्ट
आजाद कश्मीर को गुड बाय कहने का। अब रास्ते में हम शायद एक आध स्टॉप करेंगे, लेकिन उसके बाद हम सीधा जो है ना लाहौर ही जाएंगे। मेरे मौला मेरी ये दुआ, माफ कर दे मेरी हर खता, मैं तो चाहूँ बस तेरी रजा, मैं तो चाहूँ बस तेरी रजा। मेरे मौला मेरी ये दुआ, माफ कर दे मेरी हर खता, मैं तो चाहूँ बस तेरी रजा, मैं तो चाहूँ बस तेरी रजा। मौत का फरिश मैं इस वक्त मौजूद हूँ दानी वाटरफॉल पे, जो इस मेरे ट्रिप के पोर्ट्रेट ट्रिप का जो ना लास्ट पॉइंट है। जाते हुए हमने ये पॉइंट मिस कर दिया था, क्योंकि हमने कहा था कि वापसी पे ना जिस पॉइंट को कवर करेंगे। तो ये दानी वाटरफॉल जो है ना बड़े एक मजे की जगह है। अगर आप नीलम वैली के ट्रिप पे जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टे करना और यहाँ पे रुकना ना एक मस्ट है, क्योंकि एक बड़ी फिशी जगह है और ऊपर से जो वाटरफॉल आ रहा होता है उसकी वजह से आवाज़ भी बड़े मजे की, शोर आपको पीछे सुनाई दे रहा होगा, बड़े मजे की आवाज़ है। और उसकी पानी गिरने की वजह से ना मौसम भी बड़ा फिट हो जाता है, बड़ी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मजे का वेदर हुआ है और बड़े मजे की जगह इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बड़ा फिट है, तो अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाजमी स्टॉप करना चाहिए। और देखिए कितना मज़े का वाटरफॉल हो रहा है, और ये नेचुरल किस्म का वाटरफॉल है। तो मेरा ये ट्रिप जो है यहीं पे एंड हो रहा है। मैं जब इस ट्रिप के साथ गया था तो मैं अकेला गया था, लेकिन जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मैं दोस्तों के साथ आ रहा हूँ। मतलब ये इस ट्रिप के अंदर मैंने कुछ अच्छे दोस्त बनाए हैं, जो मैं पहले इस ट्रिप पे आने से पहले काफ़ी हेजिटेंट था कि पता नहीं मेरा ट्रिप कैसे गुजरेगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं सोलो जा रहा था और किसी पब्लिक ट्रिप पे जा रहा था। लेकिन माशाल्लाह से मेरा जो एक्सपीरियंस है ना बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और मुझे बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं अकेले ट्रिप पर आया हूँ, क्योंकि काशी और शबीर भाई दोनों बड़े अच्छे दोस्त मेरे बन गए और हमने बड़ा अच्छा टाइम आपस में गुजारा और इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ट्रिप के एंड पे मैं आपको इस ट्रिप की कॉस्ट बता देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 4 दिन का ट्रिप था, जिसमें जो एरियाज कवर करने थे वो नीलम वैली, LOC, केएल, शर्दा, चांदनी वाटरफॉल, केरन, कुटन वाटरफॉल और अरंग केएल और टाउबोथ। अच्छा, इसमें जो टाउबोथ था ना वो मिस हो गया। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग और काफ़ी ज़्यादा ना स्नोफॉल था, जिसकी वजह से हमें वो कैंसिल करना पड़ा। तो मेनली मैं 4 डे ट्रिप पे सिर्फ टाउबोट की वजह से आया था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली वो कवर अप नहीं हो सकता। लेकिन ये कि जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। तो इस ट्रिप की मुझे कॉस्ट पड़ी थी 18,000 रुपये वैसे थे, और बाकी जो जीप के एक्सपेंस थे शारदा से केएल तक वो सेपरेट थे। तो एक बड़ा अच्छा पैकेज और बड़ा एक रीजनेबल प्राइस में ये ट्रिप हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी और डेस्टिनेशन से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।